जी हाँ दोस्तों, मैं कुमार और आप देख रहे हैं अरुण्स क्रिएशन। प्रीमियर प्रो का ये मेरा पहला ट्यूटोरियल है जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको किसी भी टेक्स्ट को सिंक करना है म्यूज़िक के साथ, या फिर टेक्स्ट को कैसे रिदम में लेके आना है किसी भी म्यूज़िक के साथ। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं एक सैम्पल। तो ये जो है एक टेक्स्ट को मैंने सिंक किया है विद द म्यूज़िक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास टाइमलाइन के ऊपर एक म्यूज़िक है जिसको मैं प्ले करने वाला हूँ, यहाँ पे मार्क ऐड करने वाला हूँ। तो इस तरह मैंने मार्कर को ऐड किया। तो यहाँ पे मेरे पास एक जेपीजी फाइल है जिसको मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ और उसके ऊपर जो है टेक्स्ट मैं रखने वाला हूँ। और यहाँ पे एसेंशियल ग्राफिक्स में आप जैसे जाएंगे आपको यहाँ पे एडिट मिलेगा, आपको यहाँ पे टी प्रेस करना और यहाँ पे आप कुछ भी जो है लिख सकते हैं। मैंने जहाँ पे लिखा ज्वाइन और इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे अलाइन के दो बटन, तो मैंने इसको अलाइन किया। अगर आप टाइमलाइन को जूम करना चाहते हैं तो प्लस प्लस जो है आप प्रेस करते जाएंगे कीबोर्ड से, तो जो है टाइमलाइन जो है जूम हो जाएगी। तो मुझे टेक्स्ट को एनिमेट करना है जो मेरा पहला की फ्रेम है और दूसरे की फ्रेम के बीच में मुझे यहाँ पे कट लगाना है एक, तो मैंने कट लगाया और यहाँ से बाकी जो है उस एरिया को मैंने कर दिया रिमूव। तो मेरे पास जो है एक टेक्स्ट, अभी सेलेक्ट इफेक्ट कंट्रोल में जब हम जाएंगे तो यहाँ पे मुझे कुछ की फ्रेम अप्लाई करने हैं जिसकी वजह से ये एक जो है म्यूज़िक के साथ जो टेक्स्ट है हमारा वो एक रिदम क्रिएट करे। तो रिदम क्रिएट करने के लिए आपको जो है की फ्रेम्स के बारे में जानना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वीडियो सॉफ्टवेयर में काम करते वक्त। तो आइए स्टार्ट करते हैं की फ्रेम से। तो सबसे पहले आपको जो है किसी भी एनिमेशन को करने के लिए जो उसका फर्स्ट पॉइंट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो है स्केल का जो मैं की फ्रेम है उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको एक की फ्रेम ऐड करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको मैं करना चाहता हूँ ज़ूम। तो मेरे पास जो है टेक्स्ट वो की ज़ूम हो चुका है और जैसे मैं कुछ की फ्रेम्स को आगे बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे मुझे जो है एक नया की फ्रेम ऐड करना है। तो मैंने इस डॉट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे एक नया की फ्रेम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे है जो उसका स्केल का वैल्यू चाहिए 100 और जहाँ पे ये जो है टेक्स्ट हमारा फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पे जो एंड पॉइंट है इस टेक्स्ट का, तो यहाँ पे मुझे एक और की फ्रेम ऐड करना है। तो इस वक्त जो है इसका जो स्केल का वैल्यू है मैं 80 रखने वाला हूँ। तो अगर हम इसको प्ले करते हैं तो आपको कैसे कुछ ये रिदम दिखाई देगा। तो बहुत ही अच्छा एक रिदम मैंने जो है टेक्स्ट को यूज़ करके क्रिएट किया है। तो इसकी मैं एक कॉपी करने वाला हूँ। आपको ऑल्ट प्रेस करना है कीबोर्ड से और ड्रैग करके इसको नेक्स्ट जो है की फ्रेम वहाँ से स्टार्ट करते और ड्रैग करके इसको यहाँ जो है हमारा फोर्थ मार्कर लगा हुआ है तो वहाँ पे लाके इसको मैंने मैच कर दिया। तो इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे ऑप्शन आएगा डबल क्लिक करने के लिए। डबल क्लिक करने के लिए तो मैं यहाँ पे लिखा अरुण्स, तो अगेन इसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये अलाइन हो चुका है। तो अगेन ये रिदम ऑलरेडी है इसके साथ की फ्रेम लगे हुए हैं, जस्ट हमें की फ्रेम्स को एडजस्ट करना है। तो देखिए दोबारा, तो ये जो है अभी यहाँ से कोई भी की फ्रेम जो है काम नहीं कर रहा है। इस की फ्रेम को जो है मैं लास्ट में जो है यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इस की फ्रेम को मुझे डिलीट करना होगा। डिलीट किया और यहाँ से मुझे एंड पॉइंट के ऊपर जाके मार्कर जो है हमारा, तो यहाँ पे मुझे एक नया की फ्रेम ऐड करना है। तो इसका जो है स्केल का वैल्यू मैं यहाँ पे 80 रखने वाला हूँ। तो मुझे एक नया जो है फ्रेश जो है नया टेक्स्ट चाहिए अगले बीट के लिए। तो ऑल्ट प्रेस करूँगा, अगेन मैं इसको कॉपी करूँगा और जो हमारा मार्कर ऊपर ऑलरेडी है मेरे पास उसको यूज़ करके मैं एक नया रिदम जो है मेरा थर्ड जो टेक्स्ट है उसको मैं ऐड करने वाला हूँ। ज्वाइन अरुण्स क्रिएशन। तो इसको अगेन मैंने अलाइन किया तो ये है मेरे पास थर्ड। तो अगेन मैं इसका रिदम चेक करना चाहता हूँ तो बहुत ही अच्छे जो इसका एंड पॉइंट है जो मुझे चाहिए वो चाहिए 80 स्केल का वैल्यू और यहाँ से मैंने थर्ड पॉइंट को ऐड किया
तो इसका जो वैल्यू चाहिए मुझे डायरेक्टली 80 चाहिए। तो आइए तो आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक रिदम मैंने जो है क्रिएट किया है। तो इस तरह जो आप बहुत ही अच्छे रिदम क्रिएट कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ की फ्रेम। अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि 5th फेब से स्टार्ट होने वाली हैं, जिसमें हम वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज लाने वाले हैं, जिसमें प्रीमियर प्रो में आपको एडिटिंग, ट्रांजिशंस कैसे क्रिएट करनी है मैनुअली, कैसे आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, शूटिंग कैसे करनी है रॉनिन गिम्बल, ये जो सभी इक्विपमेंट्स हैं उनको कैसे यूज़ करना है, प्रॉपर जो कैमरास की सेटिंग होनी चाहिए उनको आप कौन सी सेटिंग्स आपको चाहिए हैं, बहुत सी ऐसी टेक्निक जो शूटिंग में यूज़ होती हैं, और स्पेशली जो है लाइटिंग के कोर्सेज भी इसके अंदर ही ऐड हो चुके हैं जो कि वीडियो का एक कंप्लीट कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग अरुंज क्रिएशन।